हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि घर बैठे स्विगी से फ्री में खाना कैसे ऑर्डर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वीडियो से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। कैसे क्या करना है उसकी सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे आप घर बैठे अपने लिए खाना ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे ऐप लॉन्च हो चुके हैं, जैसा कि एक ऐप है स्विगी, जोमैटो और गूगल के द्वारा भी एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गूगल ईट, जो अभी फ़िलहाल वर्किंग में नहीं है, वो बहुत ही जल्द वर्किंग में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस ऐप में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ आप फ्री में खाना ऑर्डर कर मंगा सकते हैं। तो आइए उस ट्रिक को मैं बताता हूँ कैसे ऑर्डर करेंगे। सबसे पहले आपको दोस्तों किसी भी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना होगा। जैसा कि आप किसी भी रेस्टोरेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट हो गया, यहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी खाने की चीज़ों को मंगा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ ऑर्डर लगा दिया है, यहाँ ऑर्डर हमने लगा दिया, यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ से आप टिप्स फॉर डिलीवरी पार्टनर को भी टिप्स भी दे सकते हैं। यहाँ आप अप्लाई कूपन पे क्लिक कर कुछ अमाउंट को कम कर सकते हैं, जैसे डिस्काउंट कर सकते हैं। बर्थ ऑफ, यहाँ पर एक कूपन था जो मैंने अप्लाई कर दिया है। बर्थ डे, यहाँ से आपको 75 रुपीज़ कम हो जाएंगे। यहाँ से आपको फिर क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको प्रोड्यूस टू पे पे क्लिक करना है। यहाँ से आप किसी भी UPI ID से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, अमेजोन पे से भी पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे से, रिचार्ज फ्री रिचार्ज से और MobiQuick से भी कर सकते हैं। यहाँ आप अपना कार्ड ऐड कर उससे भी पेमेंट कर सकते हैं और UPI के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, भीम और फ़ोन पे UPI। आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी बैंक अकाउंट के ATM को ऐड कर भी पेमेंट कर सकते हैं, पेपल से भी और कैश भी। तो हमें ऑर्डर प्लेस कर देना है दोस्तों। यहाँ से हम किसी भी, मान लीजिए हम नेट बैंकिंग ही सेलेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ HDFC तो दोस्तों यहाँ से हमने खाना ऑर्डर कर दिया है। ऑर्डर करने के बाद हम यहाँ अपने पुराने ऑर्डर्स को देख रहे हैं। आपका जो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा उसके बाद आपको एक काम करना है जिसके बाद आपको फ्री में खाना मिल जाएगा। उसके लिए भी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। जैसे कि आप किसी भी रेस्टोरेंट से खाना मंगा चुके हैं तो वहाँ उस ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक हेल्प का ऑप्शन मिलता है। ये प्रोसेस आप कब करेंगे, जब आप किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर चुके हैं। करने के बाद
आपका खाना आ चुका है, यानी आपको डिलीवर हो चुका है। उसके 10 मिनट बाद आप यहाँ आकर, ऑर्डर पे आकर आप उसे ऑर्डर को क्लिक करेंगे, देखेंगे। वहाँ आने के बाद आपको हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, हेल्प के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इश्यूज़ और हेल्प मिल रहे हैं। यहाँ पे आप एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो है मिसिंग फॉर माय ऑर्डर। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको चैट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से चैट करेंगे। चैट करने के बाद यहाँ आपको सेलेक्ट आइटम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक कर सबमिट कर देंगे, तो आपका ऑर्डर फिर से रिन्यू हो जाएगा और इसके कोई चार्जेस भी आपको नहीं लगेंगे, तो आपको ये खाना फ्री में मिल जाएगा आपके सेम एड्रेस पे, जिस एड्रेस पे आपने ऑर्डर किया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा ट्रिक्स, इसे कर आप भी लाभ उठाएं। दोस्तों किसी भी ऑर्डर को मिलने के जस्ट बाद आप हेल्प पे क्लिक करेंगे, हेल्प पे क्लिक करने के बाद आपको मिसिंग ऑर्डर पे क्लिक करना है, यहाँ चैट के ऑप्शन में जाना है। चैट के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ आपसे लिखिएगा सेलेक्टेड आइटम, यहाँ आपको क्लिक करना है और सबमिट कर देना है, तो आपको जो भी खाना आपको मिल चुका है वो दोबारा भी मिल जाएगा, वो आपके लिए फ्री होगा। तो दोस्तों आपको हमारा ट्रिक कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों।